नमस्कार, एमकेएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपशिखा। बुलेटिन की शुरुआत खबरों से। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच शनिवार शाम से जारी मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। पुलवामा के द्रब गांव इलाके में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने इलाकों को घेर लिया था। वहीं एक आतंकी को शनिवार देर रात मार गिराया गया, जबकि अन्य 2 रविवार सुबह हुई कार्रवाई में मारे गए। जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों ने दोनों आतंकियों को घेर रखा था, जिसके बाद एक आतंकी ढेर हो गया। मौके से 2 AK-47 राइफल, 1 पिस्तौल और गोला बारूद भी बरामद हुए। वहीं IGP कश्मीर विजय कुमार के मुताबिक मारे गए सभी आतंकी स्थानीय थे और आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा से जुड़े थे। इनमें से एक की पहचान जुनेद शीरगोजरी के तौर पर हुई है, जो 13 मई को कांस्टेबल रियाज अहमद की हत्या में शामिल था। वहीं अन्य 2 आतंकियों की पहचान पुलवामा जिले के फाजिल नजीर भट्ट और इरफान मलिक के तौर पर हुई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नक्सल उन्मूलन अभियान की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि हॉक फोर्स में स्थानीय युवाओं की भर्ती आवश्यक है। भर्ती प्रक्रिया से संबंधित निर्देश पूर्व में दिए जा चुके हैं। आत्मसमर्पण कर चुके नक्सलियों का नक्सल नियंत्रण अभियान में सहयोग के लिए जाने की योजना पर अमल हो रहा है। हॉक फोर्स के जवान जिन स्थान पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वहां न्यूनतम जरूरतों और सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध करने के निर्देश दिए गए। साथ ही प्रदेश में किसी भी स्थान पर हिंसा की विचारधारा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लोकतंत्र में इसका कोई स्थान नहीं है। प्रदेश के अनेक हिस्सों में अपराधों में लिप्त तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा रही है। छत्तीसगढ़ की जनता को जल्द गर्मी से राहत मिलेगी। प्रदेश के कई क्षेत्रों में बादल छाने के साथ तेज हवाएं चलना शुरू हो चुकी हैं। मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का ये सिलसिला जारी रहेगा। वहीं मानसून के 16 से 17 जून तक प्रदेश में पहुंचने की संभावना है। इससे पहले प्रदेश के कई जिलों में हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है। मध्य प्रदेश में चिलचिलाती गर्मी के बीच कई इलाकों में राहत की बारिश हुई। राजधानी भोपाल समेत कई जिलों में हल्की बूंदाबांदी हुई, जिसके बाद लोगों को कुछ समय के लिए राहत मिलने के आसार हैं। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक 13 जून से पूरे प्रदेश में बारिश होना शुरू होगी और 15 जून के बाद प्रदेश में मानसून की एंट्री हो जाएगी। मंदसौर जिले के भानपुर तहसील के लिए खुदीराम विश्वास को सरपंच पद के लिए BJP उम्मीदवार चुना गया। वहीं ग्राम पंचायत सरपंच उम्मीदवार खुदीराम विश्वास ने कहा कि मुझे सरपंच बनाया जाता है तो मैं गांव के विकास में कोई कसर बाकी नहीं रखूंगा। मैं घर घर नल जल योजना के लिए सबसे पहले प्राथमिकता दूंगा, क्योंकि गांधी सागर में पानी की दिक्कत है, पानी के किनारे रहकर भी। दूसरे नंबर पर स्वच्छता साफ सफाई के लिए विशेष ध्यान दूंगा। तीसरे नंबर पर प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री आवास योजनाओं का लाभ उचित पात्र लोगों को दिलवाएंगे और वृद्धा पेंशन पात्र लोगों को, विधवा पेंशन पात्र लोगों को दिलवाएंगे, योजनाओं का लाभ सबको दिलवाएंगे। एक सरपंच पद के लिए उनके कार्य को देखना पड़ता है और इस कार्य को पहले कर चुके हैं, हमें अच्छा लगा, हम चाहते हैं कि दोबारा इसी कार्य को करें। वो किस प्रकार से पूर्व में इन्होंने कार्य किया है? पूर्व में इन्होंने सरपंच रहा 5 साल। कौन रहे सरपंच? खुदीराम जी पत्नी। तो इनके कार्य से हम सब खुश है और चाहते हैं कि आगे यही बने। सबसे पहली बात तो है गांधी सागर के जो इनकी वाइफ जो पहले रह चुकी है उनका भी काम अच्छा रहा है। पूरा गांधी सागर वासियों ने सबने देखा है, गांधी सागर नंबर 3 ने और गांधी सागर नंबर 8 ने। और हमारा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने अगर इनको अगर खड़ा किया है तो मेरा तो यही कहना है कि इनको जिताएं और कड़ी से कड़ी मिलाएं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर प्रदेश सहित पूरे जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है, जिसके चलते कानून व्यवस्था बनाए रखने व पंचायत चुनाव को शांतिपूर्वक कराने के परिपेक्ष में पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में दल के साथ नगर में फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च नगर के प्रमुख मार्गों से निकाली गई। चुनाव काम का जो रोड इंतजाम व्यवस्था रहती है जी, और सामाजिक तत्वों पर नज़र रखने के लिए उनको स्पष्ट यह संदेश देने के लिए कि यदि कोई गलत करेगा तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी जी,
इस परिप्रेक्ष्य में सुरक्षित कार्यों के निर्देश से फ्लैग मार्च निकाला गया। आगरा के थाना एतमाउद्दौला क्षेत्र में अचानक एक गाड़ी आग का गोला बन गई, जिसके बाद चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। पूरा मामला आगरा के जोहरा बाग का है, जहां रहने वाले लालता प्रसाद ट्रैवल कंपनी में काम करते हैं। जब वे बुकिंग से वापस लौटकर आए तो उन्होंने गाड़ी खड़ी कर दी और गाड़ी खड़ी करते ही उसमें आग लग गई, जिसके बाद आसपास के लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। फिलहाल आग लगने का कारण अभी अज्ञात है। यूपी के फिरोजाबाद में एक मकान में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। आग से स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। वहीं घटना की जानकारी तत्काल थाना शिकोहाबाद पुलिस को दी गई। वहीं फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। में हमारे मित्र है, व्यापारी है, हमारे कपड़े के व्यवसायी हैं, अंकित राठौर। उनकी बिल्डिंग में जो है अचानक शॉर्ट सर्किट होने से तीसरी मंजिल और दूसरी मंजिल में आग लग गई और आग इतनी भयानक हो गई कि चारों मंजिल में आग जो है फैल गई और 10 दमकल यहाँ इस वक्त मौजूद है। पूरा प्रशासन मौजूद है, SGM शुकाबाद, क्षेत्र अधिकारी शुकाबाद, आम जनता सभी मौजूद है, व्यापार मंडल सारे वहाँ मौजूद है, लेकिन कोई जनहानि नहीं है। ये भगवान की कृपा रही कि उनके बच्चे और फैमिली को निकाल लिया गया और सिलेंडर भी बाहर निकाले गए, बाकी तो सारा सामान जलकर 3 मंजिल का स्वाहा हो गया, लेकिन इस वक्त की जो पोजिशन है आग पर काबू पा लिया। रायपुर में पुलिस कप्तान ने ASP CSP की बैठक ली। बैठक में राजधानी में बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने को लेकर चर्चा हुई। बताने बैठक में सभी CSP ASP को थाना क्षेत्रों में भ्रमण के निर्देश दिए गए। कुछ आपराधिक तत्वों पर लगाम लगाने की कवायद है, जिसके तहत सभी CSPs को थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि जो आपराधिक तत्व हैं उनके ऊपर कार्रवाई लगातार करी जाए। और अगले एक हफ्ते के लिए निर्देश दिया कि अगले एक हफ्ते जो भी निगरानी बदमाश है, गुंडा बदमाश है, उनको थाने में डेली हाजिरी के लिए बुलाया जाए अगले एक हफ्ते, और उनको क्राइम से बचने की, क्राइम नहीं करने की समझाइश दी जाए। उसके लिए अगले एक हफ्ते हम लोग अभियान चलाएंगे। उसके साथ ही आर्म्स एक्ट और NDPS पे, एक्साइज पे, इस पर कार्रवाई आज भी बहुत सारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करी गई है और ये कार्रवाई भी हम लोग अगले 2-3 दिन अभियान के तौर पे करेंगे, बाकी सतत तो जारी रहता है। पंचायत चुनाव से पहले छतरपुर SP ने दल बल के साथ फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान उन्होंने, जिसके बाद मीडिया से बात करते हुए लोगों से सोशल मीडिया का संभल कर इस्तेमाल करने की अपील की। उन्होंने कहा कि बिना जांच पड़ताल किए किसी प्रकार की भ्रामक जानकारी शेयर ना करें। अगर कोई आपत्तिजनक पोस्ट वायरल करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। छतरपुर शहर में आज फ्लैग मार्च निकाला गया है। प्रमुख तौर पे इसका उद्देश्य जो लोग सोशल मीडिया पे लगातार आपत्तिजनक पोस्ट डाल रहे हैं उन तक ये संदेश पहुंचाने के लिए है कि बहुत सजग रहिए और वही जानकारी शेयर कीजिए जो आपके काम के संबंधित है। जो आगे लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं बिना तस्दीक किए, बिना जानकारी के, और यदि वो भ्रामक होती हैं, यदि वो उत्तेजना उत्पन्न करती हैं, किसी की भावनाएँ जो या उन्माद की स्थिति उत्पन्न करती हैं, ऐसे लोगों को हम लगातार चिन्हित कर रहे हैं। ग्वालियर स्टेशन पर अचानक गई लाइट के चलते 6 महीने के बच्चे और उसकी मां के प्राण संकट में आ गए। अचानक गई लाइट के कारण लिफ्ट बंद हो गई और 6 महीने के बच्चे सहित एक दंपति लिफ्ट में फंस गए। जैसे ही घटना की सूचना, रेलवे अमला मौके पर पहुंचा और जनरेटर चलवाकर दंपति को लिफ्ट से बाहर निकाला। रायपुर के गोवर्धन चौक पर हत्या का CCTV फुटेज सामने आया है। CCTV फुटेज में एक युवक को दौड़ाकर धारदार हथियार से मारपीट कर रहे हैं। पूरा मामला सिविल लाइन थाने का है, जहां युवक की पुरानी रंजिश के चलते हत्या कर दी गई। मामले को लेकर पुलिस ने एक नाबालिग समेत 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं हत्या का मुख्य आरोपी अभी फरार है। एक बहरहम बेटी ने पैसों के लिए अपनी ही मां का सिर पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद पति के साथ मिलकर मां के शव को पॉलीथिन में लपेटकर जंगल में फेंक दिया। पूरा मामला बैतूल जिले के पाताखेड़ा का है। हैरानी की बात तो ये है कि बेटी ने मां की हत्या करने के बाद मामले को छुपाने के लिए कहा कि मां नर्मदा स्नान के दौरान बह गई। मामला पुलिस में जाने के बाद जब कड़ी पूछताछ की गई तो पूरा सच
सामने आ गया। मृतक महिला भागीरथी झड़बड़े जो कि 60 वर्षीय ने गांव की जमीन बेची थी, जिससे आय करीब 5,82,000 रुपए उसने बेटी उषा के खाते में जमा करवा दिए थे। चूंकि बुजुर्ग महिला की दो बेटियां हैं, उन्होंने कहा कि ये पैसा दोनों बेटियों में बराबर बांट दूंगी। ये बात उषा को समझ नहीं आई। उसने कहा कि जब माँ उसके साथ रह रही है तो वह आधा पैसा बड़ी बेटी रेखा को क्यों देगी। इसी बात पर आक्रोशित उसने मां के सिर पर बड़ा सा पत्थर दे मारा, जिसके बाद बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। इसके बाद बेटी ने पति यानी बुजुर्ग महिला के दामाद के साथ मिलकर शव को पॉलिथीन में लपेटा और उसे जंगल में ले जाकर खाई जैसी जगह पर फेंक दिया। महाकालेश्वर मंदिर में सोमवार से भस्म आरती के दौरान चलायमान व्यवस्था के तहत श्रद्धालुओं को दर्शन सुविधा मिलेगी। नई व्यवस्था को लेकर मंदिर समिति को कलेक्टर आशीष सिंह ने अनुमति दी है। बता दें, उन्होंने कहा कि व्यवस्था में पहले अनुमति वाले श्रद्धालु प्रवेश करेंगे, इसके बाद सामान्य दर्शनार्थी 4 नंबर गेट से अंदर जाएंगे। वहीं अब कलेक्टर से हरी झंडी मिलते ही सोमवार से श्रद्धालुओं को निःशुल्क भस्म आरती के दौरान दर्शन के लिए प्रवेश देने का क्रम शुरू हो जाएगा। संभव है कि चलायमान दर्शन व्यवस्था के लिए सुबह 4 बजे के बाद ही श्रद्धालुओं को प्रवेश देने का क्रम शुरू होगा। सड़क दुर्घटना में ब्रेन डेड हुए 49 साल के प्रदीप कुमार विश्वकर्मा ने 3 लोगों के जीवन में नई जिंदगी मिलने की आस जगाई है। बताते चलें कि 10 जून को प्रदीप का एक्सीडेंट हो गया था और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी, जिसके बाद डॉक्टरों ने प्रदीप के परिजनों के आगे दान अंग करने की बात रखी और उनसे इजाजत लेकर तुरंत उनका लीवर और किडनी ट्रांसप्लांट करने के लिए भेज दी। प्रभारी मंत्री अनिल राजभर ने आवासीय विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने लोक निर्माण विभाग को निर्माण कार्य में जल्दी पूरा करने के निर्देश दिए। प्रभारी मंत्री ने बताया कि अटल आवासीय विद्यालय प्रदेश सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना में शामिल है और इस विद्यालय की क्षमता 1,000 छात्रों की है। उन्होंने बताया कि इस विद्यालय में 1,000 बच्चे इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई निःशुल्क व विद्यालय में रहकर प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही यहां मल्टीपर्पस स्टेडियम व इको फ्रेंडली वातावरण बनाया जाएगा। रायपुर में सटोरियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान शहर के अलग अलग इलाकों से 11 सटोरियों को गिरफ्तार किया और उनके पास से करीब 37,000 रुपये नगदी व सट्टा पट्टी जब्त किया। साइबर सेल की टीम ने शहर के करीब 10 से ज़्यादा थानों में कार्रवाई करते हुए सट्टा लिखते ही 11 सटोरियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। रायसेन जिले में हादसों पर नियंत्रण पाने के लिए भारी वाहनों के लिए चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें 40 से अधिक भारी वाहनों की चेकिंग की गई, जिसमें 15 वाहनों पर ओवरलोड होने के चलते जुर्माना लगाया गया। जिसके बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमृत मीणा ने बताया कि पिछले 1 माह में 1 दर्जन से ज्यादा लोग सड़क हादसों में जान गंवा चुके हैं, जिसके चलते चेकिंग अभियान जरूरी है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि रायसेन ज़िले से माइनिंग को लेकर बहुत सारे डंपर रेत का परिवहन करते हैं। इसी सिलसिले में परसों सवेरे एक डंपर की चपेट में देवनगर थाना क्षेत्र में एक वाहन आ गया था, जिसमें 4 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। इस मामले को गंभीरतापूर्वक लेते हुए हम लोगों ने ये तय किया है कि ज़िले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से गुजरने वाले सभी डंपर्स की हम बारी बारी चेकिंग करेंगे, उनके दस्तावेजों का परीक्षण करेंगे और जो वाहन चालक है उनके ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि और उनकी स्पीड का भी परीक्षण किया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एमके न्यूज़। नमस्कार।